Good morning, student. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start chapter number 1 in social science subject part civics. ठीक है, हम सिविक्स जो हमारा सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसमें जो सिविक्स पार्ट है उसमें हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के लिए. ओके, द चैप्टर नेम इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. बिफोर दिस, इसके पहले भी कंप्लीटेड टू चैप्टर्स फ्रॉम ज्योग्राफी सेक्शन, हम दो चैप्टर ज्योग्राफी सेक्शन से कंप्लीट कर चुके हैं. एंड देयर टुडे वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर हियर, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. जो हमारा चैप्टर का नाम है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, द मीनिंग, हिंदी मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज़ प्रजातंत्र, है ना. प्रजातंत्र क्या होता है और क्यों होता है, कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज़ डेमोक्रेसी. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फीचर, डेमोक्रेसी क्या है, उसकी विशेषता क्या है, मतलब उसके फीचर्स क्या हैं. दिस चैप्टर इज़ बिल्ड ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी. ये जो चैप्टर है एक सिंपल जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी के उसके ऊपर बना हुआ है. स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट ऑफ द मीनिंग ऑफ टर्म इन्वॉल्व इन द डेफिनेशन. धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, डेमोक्रेसी का मीनिंग जानेंगे इस चैप्टर में, है ना. फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू कि व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. द एम हियर टू अंडरस्टैंड क्लियरली बेयर मिनिमम फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. द एम ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर का आपके सिलेबस में देने का उद्देश्य यही है कि आप डेमोक्रेसी के बारे में समझ जाएँ, उसी तरह ये समझ जाएँ कि कोई गवर्नमेंट डेमोक्रेसी कैसे फॉर्म करती है. ठीक है, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड एबल टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हम जब ये चैप्टर स्टार्ट करें या स्टार्ट करने के पहले हमको ये समझ जाएँ कि नॉन जो गवर्नमेंट होती है, या हम बोले डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है. उसके बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी स्टे बियॉन्ड द मिनिमम ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंट्रोड्यूस अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. इसके बाद जब हम लास्ट में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जो ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है वो क्या है. डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रीविलेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, है ना. अब हम बात करें जो डेमोक्रेसी होती है ये क्या होती है, मोस्ट प्रीविलेंट फॉर्म है किसका, जो कि गवर्नमेंट का. डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रीविलेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टूडे. आज अगर हम देखें तो जैसे कि हमने स्टोरी पढ़ी या जैसे कि हमने ज्योग्राफी सेक्शन में जब चैप्टर स्टार्ट किए थे बेटा, जब हमने चैप्टर पढ़ा था, जैसे हम एग्जांपल ले लें, क्रॉप वाला चैप्टर लिया हमने या एग्रीकल्चर फार्मिंग वाला लिया, तो वो चैप्टर को उन्होंने क्या करा था, फॉर वन पालमपुर एक विलेज था, स्टोरी थी, स्टोरी बेस्ड उन्होंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था. हियर ऑल्सो वी विल डू द सेम थिंग. हमको यहाँ पर भी क्या करना है, हमको बाय द, हम बोल सकते हैं दैट एक टीचर और स्टूडेंट का डिस्कशन है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को समझेंगे. अब हम ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है, व्हाट इट मेक्स बेटर एन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी अपने जो बोल सकते हैं बहुत बेटर बनाती है सरकार जो है कार्य करती है. डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है. दिस इज़ द सेकंड बिग क्वेश्चन दैट वी की टेक अप इन द चैप्टर. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि व्हाई डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट, वाई हम डेमोक्रेसी क्यों फॉलो करना चाहिए, तो ये सब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर. अब हम इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर का डिस्कशन दिया हुआ है, आपको एक स्टोरी के फॉर्म में देके रखी है ये. वन स्टूडेंट इज़ देयर, हर नेम इज़ मैरी, उसका नाम मैरी है. उसी तरह एक टीचर है, उनका नाम है लिंकडन मैम. वॉट इज़ द नेम, लिंकडन मैम. नाउ यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जैसे कि हमने बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग फॉर्म गवर्नमेंट सरकार के पढ़ चुके हैं, पढ़ी हैं. ऑन द बेसिस ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी, इससे हम डेमोक्रेसी को क्या समझ सकते हैं. मेंशनिंग अ फ्यू एग्जांपल, राइट डाउन अ सम कॉमन फीचर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. यू कैन सी हियर द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन और एलिजिबल मेंबर ऑफ अ स्टेट, टिपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. और इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल वोट्स, एवरी वन हैज़ अ राइट टू वोट, हैज़ चांस टू हैव अ से इन हू रन्स. देखो, डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब है राइट टू वोट. सभी को अपने मतदान का अधिकार, मतदान के बाद सभी को अपनी सरकार चुनने का जो अधिकार है वो कहलाती है डेमोक्रेसी, वो कहलाता है प्रजातंत्र. यू नो वेरी वेल अवर फंडामेंटल राइट्स. हम हमारे फंडामेंटल राइट्स अच्छे से जानते हैं. राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वलिटी. तो राइट टू फ्रीडम में हम
स्वतंत्र हैं। हम लोग क्या हैं, स्वतंत्र हैं, और हमको सभी मतलब हमारा कार्य हुआ या फिर हमें वोट डालने का हुआ, उसके लिए हमें किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है। तो डेमोक्रेसी का सिंपल अगर मीनिंग देखा जाए तो वो होता है राइट टू वोट, मतलब अपने मतदान का अधिकार। अब जैसे ही डेफिनेशन बोलती है कि डेमोक्रेसी, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल वोट, सरकार कैसे बनती है, पीपल लोगों के मत से बनती है, जब लोग वोट डालते हैं तब सरकार बनती है। तो जो इसमें पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो वहाँ हमको क्या चाहिए, गुड जो वोटर्स है वो चाहिए, समझदार वोटर चाहिए, एजुकेटेड वोटर्स चाहिए, बिकॉज वोटर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेसी। जैसे कि सरकार जब बनती है तो वो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, एवरी वन हैज़ अ राइट टू वोट, सभी को वोट देने का अपना क्या है, अधिकार है, एंड चांस हैव अ से इन हु रन्स, और चांस है उन्हें बोलने का कि कौन किसकी सरकार बनेगी या कौन विजय होगा। मतलब आप आज किसी को भी फोर्सफुली, या होते हैं जब इलेक्शन होते हैं बहुत सारे प्रचार प्रसार होते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी को भी फोर्सफुली, या कोई आपकी बाउंडेशन में ऐसा नहीं है कि आपको वोट देगा या आप दो, आप इसको वोट दो, कोई आप बाउंड नहीं कर सकते हो किसी को। ऑल आर फ्री टू राइट टू वोट, सभी अपने मत के लिए फ्री हैं, सभी अपनी सरकार चुन सकते हैं। भारत में हर एक नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपनी सरकार स्वयं चुने, और ये सरकार जो चुनने की जो प्रोसेस होती है, जो सारी प्रोसेस होती है, यही क्या कहलाती है, हमारी डेमोक्रेसी कहलाती है। ठीक है, अब जैसे कि आपकी बुक में स्टोरी दी है, जस्ट लाइक अ डिस्कशन दिया हुआ है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस फर्स्ट टेक अ नोट ऑन अ ऑब्जेक्शन देन मेरी। अब क्या होता है, जैसे कुछ टीचर और बच्चे का डिस्कशन चलता रहता है, तो मेरी जो एक गर्ल है वो बोलती है, शी डजंट लाइक दिस वे डिफाइनिंग अ डेमोक्रेसी एंड वॉन्ट टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन। मेरी ऐसा बोलती है, जब टीचर क्या करती है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, जैसे कि मैंने आपको डेमोक्रेसी समझ में आ गया, उसके बाद हम टीचर बोल ऐसी जैसे डिस्कशन करते होते हैं, टीचर बोलती है कि एक जब वो डेमोक्रेसी, जैसे कि है ना, अब्राहम लिंकन जो थे एक अमेरिका के बहुत ज़्यादा फेमस थे, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि बाय द पीपल फॉर द पीपल। जैसे ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो इसमें रूलर होते हैं वो भी कौन होता है, पीपल ही होते हैं। तो डेमोक्रेसी में ऐसा बोल सकता है कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। अब डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, फॉर्म है गवर्नमेंट का, जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो किसको इलेक्ट करते हैं, रूलर्स को, कि किसका शासन चलेगा, कौन अपने रूल्स चलाएगा, हु आर द रूलर्स, व्हाट काइंड ऑफ, मतलब कौन रूलर होगा, किस टाइप के इलेक्शन होंगे, हु आर द पीपल, लोग कौन होंगे, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो अब्राहम लिंकन जो थे, उन्होंने डेफिनेशन दी थी, एज आई टोल्ड टू यू, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था, उन्हें एक परफेक्ट डेफिनेशन दी हुई है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट है, लोगों के लिए ही है, लोगों के द्वारा ही है और लोगों से ही है, है ना। तो मतलब ये यहाँ पे सब किसका इंपॉर्टेंट रोल है, सिटीज़न का इंपॉर्टेंट रोल है, सिटीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे ही जब डिस्कशन चलता है तो मेरी बोलती है, मैडम आई हैव सम ऑब्जेक्शन, है ना। मेरी क्या बोलती है उसके टीचर को, कि मुझे क्या है, थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है, इसके लिए मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। द टीचर, जो टीचर होती है लिंगन, वो ऐसा कहती है, जो मैम होते हैं वो रिस्पॉन्ड करती है कि यस यू कैन आस्क द क्वेश्चन, और जो क्लासमेट्स होते हैं, वी विल जॉइन द क्लासमेट ऑल्सो इन दिस डिस्कशन। हम क्या करते हैं, जब डिस्कशन कर रहे हैं तो इसमें क्लासमेट को भी ज्वाइन करते हैं। अब जो मैरी होती है बोलती है, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया। मेरी जो होती है स्टूडेंट है, वो बोलती है कि मुझे ये आइडिया पसंद नहीं है। First, we spend time discussing democracy and then we won't find out the meaning of democracy. पहले तो हम discussion करेंगे, इसमें हमारा time ख़राब करें, मतलब spend करेंगे, पहले हम इसमें हमारा time लगाएंगे, उसके बाद हम meaning of democracy पता करेंगे। I don't like this, है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले पूरा समझाया, फिर आपको समझ में आ गया। तो ऐसे ही जब discussion चलता है तो मैरी बोलती है कि मुझे ये idea अच्छा नहीं लगा, कि पहले तो हम discussion करें, हम हमारा time उसमें बर्बाद करें और उसके बाद हम किसका मीनिंग या डेफिनेशन पता करेंगे डेमोक्रेसी की।
आई मीन द लॉजिकली शुड नॉट वी हैव अप्रोच, क्या कोई हम लॉजिकली इसको नहीं समझ सकते हैं? इफ द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड देन एग्जाम्पल, कि मतलब ये कि पहले उसमें मीनिंग आ जाए और उसके बाद क्या आ जाए, एग्जाम्पल होते, क्या हम लॉजिकली नहीं समझते? तो मैम बोलती है, जो लिंगनर मैम होती है वो ऐसा बोलती है कि आई कैन सी योर पॉइंट, मैं जो तुम्हारे पॉइंट है, कई बार क्लास में भी हम डिस्कस करते हैं, आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो मैम बोलती है आई कैन सी, मैं हाँ आपका दिस इज़ राइट, बट सम ऐसे इसको चेंज करके भी हम कर सकते हैं। तो जो मैम होती है वो ऐसा कहती है कि आई कैन सी योर पॉइंट, मैं तुम्हारे पॉइंट क्या करती हूँ देख सकती हूँ, बट दैट इज़ हाउ वी रीज़न इन एवरी डे लाइफ। पर ऐसे कैसे हो सकता है कि क्या कारण हो सकता है कि हम हमारी एवरी डे लाइफ में भी इसको यूज़ करते हैं? वी यूज़ वर्ड लाइक, जैसे कि हम कुछ वर्ड हो गए, हमारे पैन हो गए, रेन हो गए, लव हो गए, डू यू वॉन्ट टू हैव अ डेफिनेशन फॉर द वर्ड्स बिफोर यूज़ देम? क्या तुम इसको यूज़ किए बिना या तुम इसके बारे में डिस्कस, क्या इसकी डेफिनेशन दे सकती हो क्या? सो फिर ऐसी वो सोचती है, कम टू थिंक इट एंड ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड द मीनिंग, जब हम उस वर्ड को समझते हैं तो जब हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं तब हमको क्या है उसका मीनिंग समझ में आता है। तो मेरी बोलती है बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल? देन उसके बाद मेरी कहती है कि ठीक है, मीनिंग ठीक है, पर क्यों ये ज़रूरी है कि डेफिनेशन भी हम पढ़े, डेफिनेशन की क्या ज़रूरत है? तो मैम बोलती है वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफ़िकल्टी इन द यूज़ ऑफ वर्ड। डेफिनेशन की हमको ज़रूरत कब होती है? कि जब कोई वर्ड है या हमको उसको यूज़ करना है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तब हमको डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। और अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वी डिस्टिंग्विश इट से फ्रॉम डीजल और कोल्ड बस, जैसे कि जब बारिश होती है, बारिश होती है तो उसको रेन बोलते हैं, लेकिन क्या होता है ऐसा भी तो हम बोल सकते हैं, या उसके लिए कोई वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रेनी ओनली वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम, हम उसको डिस्टिंग्विश किससे कर सकते हैं? हम ऐसा भी बोल सकते हैं ड्रिजल और कोल्ड बस्ट। तो इट इज़ ट्रू सेम, इट इज़ ट्रू फॉर डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के लिए भी यही सही है कि वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज़ इट डिफरेंट पर्पज़। हमको एक स्पेसिफिक डेफिनेशन जो है किसकी चाहिए? डेमोक्रेसी की चाहिए, क्योंकि जो लोग है, पीपल है, वो उसको स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सके। बिकॉज वेरी डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेसी, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट काइंड की जो गवर्नमेंट होती है, डिफ़िकल्ट हम बोल सकते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, डेमोक्रेसी का फॉर्मेशन करती है। तो एक बॉय इरिबियम जो है वो बोलता है कि बट वाई डू वी नीड वर्क ऑन द डेफिनेशन, क्यों ज़रूरी है कि हम डेफिनेशन पे वर्क करें? जब मैम ऐसा बोलती हैं तो एक और बच्चा होता है रिबियंग, वो ऐसा बोलता है कि क्यों ऐसा ज़रूरी है कि हम लोग उसका मीनिंग पता करें या लोग हम उसका डेफिनेशन पता करें? द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन डेमोक्रेसी, आप अदर डे, जैसे कि आपने अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन जो बताई थी, एज आई यू कैन सी ऑन द स्मार्ट बोर्ड ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन एक्सेप्टेड बाई एवरी वन, एंड वाई डू वी नीड टू चेंज दैट? इसको हमको चेंज करने की क्या ज़रूरत है, सभी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। सो मैम बोलती है आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज। तो मैम ऐसा बोलती है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम इस डेफिनेशन को बदलो। आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटिफुल, बट वी डोंट नो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग। ये ठीक है, डेफिनेशन को बदलना नहीं है, हमको क्या करना है, मैं इसको बहुत अच्छे वर्डों में या ढूंढना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एंड वी डोंट नो इफ द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक आवर सेल्फ। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ अ फेमस बिकॉज एवरी वन एक्सेप्ट इट। कई बार क्या होता है, टीचर ऐसा बोलती है कि ऐसा नहीं है, या वी मट नॉट एक्सेप्ट समथिंग, हम ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि जस्ट बिकॉज इट इज़ अ वेरी फेमस और इट इज़ एक्सेप्ट एवरी वन। अब जो एक और स्टूडेंट होता है योलांदा, वो बोलता है मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं आपको कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ? वी डोंट नीड टू लुक फॉर एवरी डेफिनेशन, हमको हर डेफिनेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, मैंने कहीं पे पढ़ा है कि जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड फ्रॉम कहाँ से मिला है हमको, ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया, डी ई एम ओ के, है ना, डी ई एम ओ के आर ए T
DIA, इस वर्ड से क्या हुआ, ग्रीक वर्ड जो है इससे हमको डेमोक्रेसी मिला है। इन द ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल, इसमें जो ग्रीक डेमोस है, डेमोस का मीनिंग क्या है, डेमोस का मीनिंग है पीपल एंड कार्टिया जो है उसका मतलब है रूल। सो द डेमोक्रेसी इज़ क्या हो गया, रूल बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी का अर्थ हो गया मैडम रूल बाय द पीपल, दिस इज़ द करेक्ट मीनिंग। वेयर इट इज़ नीड टू डिबेट, मैम ये बिल्कुल करेक्ट मीनिंग हो गया। तो क्या अब इसमें डिबेट की ज़रूरत है, एक तरीके से डिबेट ही चल रहा है कि नहीं, ये सही है। डिबेट मतलब वाद विवाद बोलते हैं ना जिसको वो। मैडम बोलती दिस इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल वे टू थिंकिंग अबाउट द मैटर। तो मैम बोलती यस, ये जो है तुम्हारा वे है ये क्या है, बहुत अच्छा है। और मतलब हम इसको बहुत अच्छे से सोच के और हम इसमें डेमोक्रेसी के जो डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और बहुत कुछ सारी जानकारी निकाल सकते हैं। सो आई वुड जस्ट से टू डज नॉट ऑलवेज वर्क, पर कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ एक हमेशा कार्य नहीं करती है। वर्ड डजेंट रिमेन टाई अप टू ओरिजिन, ठीक है। बट अब जब ये सारे डिस्कशन चलते रहते हैं तो ऐसा कई बार बोलते हैं कि हाँ हमने ये यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ी है, वो डेफिनेशन पढ़ी है, ये वाली डेफिनेशन है। तो मैम का कहना ऐसा रहता है कि वो डेफिनेशन इट्स ओके, बट बच्चे जो हैं डेमोक्रेसी का मीनिंग समझ जाए। तो मेरी बोलती है मैम सो बेसिकली व्हाट आर यू सेइंग दैट देयर इज़ नो वो शॉर्टकट आवर थिंकिंग अबाउट इज मैटर। तो मैम बच्चों को ये समझना चाहती है कि आप सोचो, दिमाग लगाओ कि क्या डेमोक्रेसी होती है, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं उसके क्या बोल सकते हैं हम। तो फिर बच्चे बोलते मैम यू आर सेइंग दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट, है ना, थिंकिंग का तो कोई शॉर्टकट होता नहीं है। देयर मैटर अवर सेल्फ, वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व अ डेफिनेशन। हमको तो इसके बारे में सोचना है और उसकी डेफिनेशन के बारे में सोचना है। लिंगडॉन मैम यू गॉट मी राइट, लेट्स गो ऑन विथ इट नाउ। अब तुम लोग समझ गए हो, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। अब अपन बात करेंगे एक सिंपल डेफिनेशन की। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू अबाउट डेमोक्रेसी, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। अब जब हम बात करते हैं सिंपल डेफिनेशन की, तो लेट्स गो बैक टू योर डिस्कशन ऑन द सिमेंट। जब हम मैम बोलती है कि चलो हम हमारे जो हमने डिस्कशन किया अब हम उस पर जाते हैं, ठीक है। अमोंग द गवर्नमेंट दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेट्स, जो डिफरेंस होता है या सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस होता है गवर्नमेंट में, आर कॉल्ड द डेमोक्रेसिट्स, वो क्या कहलाते हैं, डेमोक्रेसिट्स कहलाते हैं। वन सिंपल कॉमन फैक्टर डेमोक्रेसिट इज़ द गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल, सिर्फ यही है कि जो सरकार होती है वो किसके द्वारा चुनी जाती है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है। तो सिंपल डेफिनेशन जब है बनती है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है, फॉर्म है गवर्नमेंट का विच द रूलर सिलेक्टेड बाय द पीपल, जैसे कि ये डेफिनेशन आप देख सकते हो, ठीक है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अंडरस्टूड दिस मच। तो जब ये डेफिनेशन हमने देख ली, तो अब हमने क्या देखा, डेफिनेशन भी देख ली डेमोक्रेसी की, और इसी के साथ क्या देख लिया, मीनिंग भी देख लिया। हम डेमोक्रेसी समझ गए कि डेमोक्रेसी होती क्या है। अंडरस्टूड, I hope you understand the meaning of that democracy. तो आप सभी democracy का meaning समझ गए होंगे। So जो हमारा next topic रहेगा वो हमारा रहेगा features of democracy. So in next class we will continue our next topic. Thank you.